दोस्तों, इस प्लान के अंदर जस्टिस सोसाइटी के मेंबर बैठे होते हैं। वो लोग एडम को रोकने जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एडम गलत काम कर रहा है। तभी डॉक्टर फ्रेड को एहसास होता है कि एडम यहीं कहीं पर है। वो जैसे अपना इशारा सामने करते हैं तो सामने ब्लैक एडम हवा में दो आतंकवादियों को लेकर लटका हुआ होता है। तभी हॉकमैन कहते हैं कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। ऐसा कहते ब्लैक एडम उन दोनों को नीचे छोड़ देता है और हॉकमैन शिप का बटन दबाकर नीचे कूद जाते हैं और नीचे उन दोनों के पास जाते हैं ताकि उनको गिरने से बचा सके। और हवा में उनके पास जाकर उन्हें पकड़ लेते हैं। और जैसे वो तीनों बिल्डिंग पर गिरने वाले होते हैं तभी हॉकमैन का कवच आ जाता है और वो उन दोनों को बचा लेता है। तभी डॉक्टर फ्रेड सुनामी और स्मैशर को कहते हैं कि तैयार रहना, और ऐसा कहकर वो मास्क पहनकर गायब हो जाते हैं। तभी हॉकमैन कहता है कि मैं इनका इल्जाम नहीं जानता, लेकिन इन्हें सजा देने का काम सिर्फ कानून करेगा। इतने में ब्लैक एडम उन दोनों को बिजली के झटके से मार देता है और कहता है कि सजा देने का काम सिर्फ भगवान का है। तभी वहाँ पर डॉक्टर फ्रेड आते हैं और एडम से कहते हैं कि मैं तुम्हारी ताकत के बारे में जानता हूँ और मैं तुम्हारी काबिलियत भी जानता हूँ। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो झुको या फिर मरो। तभी हॉकमैन कहता है कि हम जस्टिस सोसाइटी के मेंबर हैं और हम यहाँ शांति चाहते हैं। इसके लिए हमें जबरदस्ती करनी पड़े तो भी हम करेंगे। इतना कहने पर ही एडम उन दोनों पर हमला कर देता है। तभी हॉकमैन कहता है कि तुम्हें पता है इसका क्या करना है। तभी डॉक्टर फेट एडम के आसपास अपने जादू की मदद से पूरा का पूरा सीन चेंज कर देते हैं और उसे पुराने गाँव की तरह बना देते हैं जो कि एडम का गाँव था। इतने में हॉकमैन ऊपर से आता हुआ एडम को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे एडम नीचे गिर जाता है। और एडम के पास जाकर कहते हैं इसे जल्दी ख़त्म करके मैं घर जाना चाहूँगा। वह अपना हथियार निकालकर एडम पर हमला करते हैं तो एडम उसे रोक लेता है और बिजली के झटकों से हॉकमैन पर हमला कर देता है और उसे हवा में उड़ा कर ले जाता है। और दोनों हवा में एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को बहुत पंच मारते हैं। तभी प्लेन के अंदर से स्मैशर और सुनामी देखते हैं। तभी स्मैशर कहता है कि हमारे कैप्टन कभी हार नहीं मानते। जैसे एडम हॉकमैन पर हमला करने वाला रहता है, हॉकमैन अपने हथियार से उसकी बिजली को उसके ऊपर वापस फेंक देते हैं जिससे एडम नीचे की तरफ गिर जाता है। तभी डॉक्टर फेट सुनामी से कहते हैं तैयार हो जाओ। सुनामी प्लेन से कूदती हुई बवंडर बनाती है और नीचे पड़े हुए सारे सलियों को एडम के आसपास जमा कर देती है। जैसे स्मैशर कूदने वाला रहता है वो अपने आप को रोककर एक मास्क पहन लेता है। तभी डॉक्टर फेट एडम के ऊपर हमला कर देते हैं जिससे एडम को दर्द होता है और डॉक्टर फेट अपने क्लोन बनाकर एडम को मारने लगते हैं। कुछ क्लोन उसके हाथ पकड़ते हैं तो कुछ क्लोन उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। इतने में हॉकमैन एक गाड़ी उठाकर एडम के ऊपर फेंकते हैं जिसे एडम अपने करंट की मदद से दो टुकड़े कर देता है। एडम देखता है हॉकमैन सुनामी सभी उस पर हमला करने वाले हैं। एडम एक जोरदार झटका देता है जिससे वो सारे के सारे दूर जाकर फेंकते हैं। तभी स्मैशर वहाँ पर आता है और वो अपने आकार को बड़ा कर लेता है जिससे वह एडम को मार सके। और पीछे से आकर एडम को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे एडम नीचे ज़मीन में धंस जाता है और वो खुश हो जाता है। तभी डॉक्टर फेट कहते हैं तुमने अच्छा किया। और हॉकमैन कहता है इसे पकड़े रखना, छोड़ना मत। इतने में ब्लैक एडम नीचे से उड़ता हुआ आता है और स्मैशर के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे स्मैशर वहीं पर बेहोश हो जाता है और एडम वहां से चला जाता है।